ये चिपकली ने काफी दिनों से तंग किया वाला, इसको तो पहले हम मार देते हैं ताकि जो है सुकून लेने दे। अंडे खा जाती है भाई, ये अंडे खा जाती है, इसको हम जरा धो देते हैं तबीयत से ताकि ये अंदर आने ना पाए। अभी देख सकते हैं ये आंखें बंद कर रही है, ये जो है हो सकता है थोड़ी देर में गिर जाए। बहुत दिन से इसने तंग किया हुआ था, आज हाथ आ गई। इसको जरा तबीयत से धो देते ताकि दोबारा आने ना पाए इधर। किस किस ने जो बॉक्सेस लगा दिया, बहुत सोने थे भाई, तकरीबन महीने पहले से लगा दिए, जब बारिश चल रही थी जब से बॉक्सेस लगाए हुए। मैंने सोचा था जरा अगस्त के एंड में लगाएंगे ताकि जो है थोड़ा ठंडा और मजीद ठंडा मौसम हो जाए। बॉक्सेस इधर पड़े हुए बिल्कुल तैयार पड़े हुए, अब क्या करना है कि भाई इनको जरा सा अभी धूप लगे। बस क्या हाल है, उम्मीद करता हूँ जाकर मेरे खैरियत से होंगे भाई। आज सबसे बड़ी अपडेट ये कि भाई कुछ लव बर्ड जो है एक्स्ट्रा जो है मजीद बढ़ा दिए और कुछ डब खत्म कर दिए। क्या खत्म किया है, क्या बढ़ा है, वीडियो में आप लोगों को पता लगेगा। वीडियो को एंड तक देखिएगा, चैनल को लाजमी सब्सक्राइब कीजिएगा। अब जरा चलते हैं डब की पोजीशन दिखा दो, कितने पेयर अभी इस वक्त मेरे पास रह चुके हैं और क्यों खत्म कर दिए ये भी आप लोगों को मैं बताता हूँ वीडियो में। तो भाई अब देख सकते हैं भाई, आप लोग एक केज यहाँ पर हुआ करता था जो कि अब नहीं रहा, वो गया भाई सीधा लव बर्ड में। और यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं डव में कि डव का एक केज जो है ख़त्म होने की वजह ये थी कि अब इनका सीज़न जो जा रहा है और लव बर्ड का सीज़न आ रहा है। तो होशियारी इसी में है कि भाई चीज़ को ख़त्म कर दें या कम कर दें, जो कि आपको जो है थोड़ा फ़ायदा कम देगी। और सर्दियों में वैसे भी ये ना होने के बराबर अंडे देती है, तो इसके लिए इसलिए जो है भाई पूरा केज हमने उठा के जो है लव बर्ड में अभी थोड़ी देर में आप लोगों को दिखाता हूँ। और वो पीस मौजूद है भाई, इधर देख सकते हैं अभी ये जो है मटकियाँ लगी हुई थी, इसमें जो है अक्सर बैठना शुरू हो गई है डव ताकि इसमें जो अंडे वगैरह दे सके। तो यहाँ देख सकते हैं ये जो डव मौजूद थी हमारे पास, तो कुछ जो है हमने और भी जो है सेल कर दिए, कुछ जो यहाँ पर मौजूद है। अब देखते हैं भाई जैसे जैसे जो ठंड बढ़ती जाएगी इनको कम करके जो ये केजेस जाएंगे सीधे लव बर्ड में। अब चलते हैं जरा लव बर्ड के पास, लव बर्ड वाले सेटअप पर। अब आप लोगों को दिखाता हूँ यहाँ पर कि कितने बर्ड्स यहाँ पर मौजूद है, कौन कौन से पेयर मौजूद है और कौन कौन से जो यहाँ पर मेरे पास जो है रेडी हुए हैं, क्योंकि जो है ब्रीड कुछ काफी हमारे पास आई थी तो उसके भी जो है कुछ पट्टे रेडी हुए हैं, उसके अलावा कुछ परचेज भी किए थे। तो सारे आप लोगों को दिखाता हूँ, चलते हैं जरा पीछे, आप लोग देख सकते हैं कुछ केजेस यहाँ पर मौजूद है, कुछ केजेस बाहर मौजूद है। तो चलते हैं अब जरा आप लोगों को केजेस दिखा देता हूँ। तो आ चुके हैं भाई हम लोग, आप लोग देख सकते हैं भाई। तो यहाँ लव बर्ड के कुछ ये पट्टे जो है कुछ परचेज किए थे, कुछ इसमें रेड आइज है जो कि घर के पट्टे जो है रेडी हुए हैं। तो आप लोग देख सकते हैं, अभी तो खैर आइज से आपको नहीं फर्क लग रहा होगा कि भाई ब्लैक कौन से है रेड कौन से है, तो ये देख सकते हैं भाई। अच्छा कुछ पेयर जो है भाई डव के भी जो है पूरा एक केज हमने जो है पूरा खाली कर दिया, देख सकते हैं ये है वो केज जिस जो हमने पूरा जो है खत्म कर दिया है। तो डव का पूरा एक केज जो है बिल्कुल जितने भी पट्टे थे वो जितने भी पेयर थे उसमें, तो ये कि सारे जो है एक केज में भर दिए, कॉलोनी में भर दिए ताकि जो है लव बर्ड को हम जो है थोड़ा जो है बढ़ा सके, क्योंकि अब जाहिर सी बात है सीजन करीब है। तो इस वजह से आप लोग देख सकते हैं यहाँ पर कुछ पट्टे लव बर्ड के आ चुके हैं, यहाँ पर कुछ पेयर आ चुके हैं, अभी कुछ पेयरिंग कर दी है कहीं पर नहीं की, जो बिल्कुल कन्फर्म हो रहे थे वो जो है हमने यहाँ पर देख सकते हैं इस तरीके से कुछ पेयर ये देख सकते हैं। बाकी जो समझ नहीं आ रहे थे उसको जो है ऐसे छोड़ दिया ताकि ये दो चार दिन में पता लग जाए कि हाँ भाई क्या मेल फीमेल है, हो सकता है इनकी बॉन्डिंग हो जाए। इस तरीके से यहाँ पर भी कुछ पेयर थे, यहाँ पर भी देख सकते हैं इसी तरीके से, यहाँ पर भी आप लोग देख सकते हैं इसी तरीके से कुछ पेयर जो है रेडी समझ लें जो बिल्कुल तैयार थे, जिनमें मेल फीमेल वाजे हो रहा था उनको हमने जो है बिल्कुल सेपरेट कर दिया। तो देख सकते हैं भाई अभी मैं खड़ा हूँ, इस वजह से काफ़ी ज़्यादा शोर कर रहे हैं। और बाकी भी मैं आप लोगों को दिखाता हूँ साथ ही साथ, इस केज में आप लोग देख सकते हैं यहाँ पर भी जो कुछ वाजे नहीं हो रहे थे वो पीस हमने छोड़े हुए ताकि जो है बॉन्डिंग हो जाए उनकी, फिर उसके बाद जो है अगर सही पेयर हुआ तो वो जो उनको साथ लगा दें। यहाँ पर भी देख सकते हैं कुछ पार ब्लू के पट्टे हैं, ये डीएनए के लिए गए हुए, इस वजह से हमने इनको जो है अलग कर दिया है ताकि जो डीएनए सैंपल आए तो उसको जो है उसके बाद, अभी आप देख सकते हैं सैंपल पे मैं आप लोगों को दिखा देता हूँ। तो सैंपल भाई जा चुके हैं, अभी मैंने भाई से कंफर्म किया तो सैंपल जा चुके हैं, बाकी सैंपल जब आएंगे जब आप लोगों को बताएंगे भाई कितने मेल एक्स्ट्रा हमारे पास है, कितनी फीमेल, या हो सकता है सारी पियर निकला है, ऐसा तो बड़ा मुश्किल है लेकिन भाई कहने में क्या हर्ज है। तो देख सकते हैं भाई यहाँ पर कुछ पियर ऐसे ही छोड़े हुए हमने, कुछ ये फीमेल है भाई ये अपने साथ मेल नहीं लगाने देती, या खुद से जो अंडे देती है खुद बच्चे पालती है, तो बहुत एग्रेसिव है ये। अभी डाला तो हमने पीस लेकिन ऐसे चेक करने के लिए डाला है, वैसे भी ये पियर बनता नहीं है देखा जाए तो ये पियर जो है भाई ये फीमेल बहुत एग्रेसिव है, जब भी इसके साथ कोई पीस डालो ये या तो जख्मी कर देती है या फिर जो है बिल्कुल उसको ऐसा तंग कर देती है कि वो कोने में जाके बैठ जाता है। चाहे मेल डाल दो इसके साथ फीमेल डाल दो, ये किसी को भी बर्दाश्त नहीं करती, अकेले रहने में माहिर है और अकेले बच्चे पालती है ये। तो यहाँ देख सकते हैं इस तरीके से ये पेयर छोड़ा हुआ, ये पहले हमारे पास ब्रीड कर चुका है, देख रहे हैं भाई ये भी जो है पहले ब्रीड कर चुका है, काफी बच्चे निकाल चुका है, बहुत अच्छा पेयर हमारे पास, समझ लें सबसे पहला पेयर ये था तो जो ब्रीड करता हुआ, बहुत अच्छे बच्चे निकालता है, तरह तरह के बच्चे निकालता है। ये पेयर भी आप लोग इसी तरीके से देख सकते हैं, इसने भी काफी अच्छा परफॉर्म किया था, साल के बीच में इसने अंडे देना शुरू किए थे लेकिन बहुत अच्छा पेयर है। और ये वाला पेयर तो भाई इसके तो क्या ही कहने, क्या बच्चे निकालता भाई, क्लास के बच्चे निकालता है, काफी ज्यादा काफी स्पीड से ब्रीड करता है हमारे पास। ये जो पेयर आप लोग देख रहे हैं भाई ये भी बहुत अच्छा
पियर है हमारे पास और काफी अंडे दे चुका है ये, पहले भी काफी बच्चे निकाल चुका है। दोबारा से हमने सोचा इनको साथ लगा देते हैं, इनको आगे पीछे नहीं करते, ऐसा ना हो कि अगर पियरिंग खराब हो अंडे रोक दे अपने। ये जो फिशर का पियर आप लोग देख रहे हैं इससे पलवाते हैं हम बच्चे, बहुत अच्छे बच्चे पालता है और समझ ले इसके नीचे पांच बच्चे दे दो, पांच अंडे रख दो, छह रख दो, ये आराम से संभाल लेता है। एक और ये इसी तरीके से पियर है, ये भी बड़ा अच्छा है भाई, इसके नीचे जो है इसके अंडे उठा के हम जो है दूसरे अंडे रख देते हैं और ये तो भाई ये भी बहुत अच्छे बच्चे पालते हैं। फिशर जो है बहुत एग्रेसिव होते हैं और बहुत अच्छे बच्चे पाल लेते हैं, चार पाँच छः सात लोटिनों से अच्छे मुझे ये लगते हैं यार बच्चे पालने के लिए। अभी आप लोग देख सकते हैं भाई बॉक्सेस इधर पड़े हुए हैं, बिल्कुल तैयार पड़े हुए हैं। अब क्या करना है कि भाई इनको जरा सा अभी धूप लगवा रहे हैं ताकि थोड़ी धूप लग जाए, थोड़ा जम्स वगैरह मर जाए इसमें, तो हो सकता है तीन चार दिन के अंदर जो है बॉक्सेस हम लोग लगाना शुरू कर दें। ये देख सकते हैं ये जो स्पेस छोड़ा हुआ, इसीलिए छोड़ा हुआ, एक बॉक्स यहाँ लगेगा एक यहाँ लगेगा, आमने सामने लगते हैं उतना स्पेस छोड़ा हुआ है जितना दो बॉक्स लग जाते हैं। इसके अलावा कुछ और भी केज तैयार करने हैं हमने ताकि जो है दूसरे भी जो ऊपर अभी मजीद जो पेयर है जिनके डीएनए आने हैं उनको भी जाहिर सी बात है सेपरेट देखें, चार लोटिनो है तो ये चार लोटिन और फिर इनको पेयर पेयर जब बनाएंगे, यहाँ पर भी इस तरीके से तीन चार पीस है तो अभी तो समझ ले दो केज मजीद हमारे और आने, फिर जाके जो है थोड़े पेयरिंग एक दो तीन दो अंदर मौजूद है। इसके अलावा एक पट्ठों वाला पेयर पट्ठों वाला केज मौजूद है, तकरीबन जो है छः सात केज रेडी होने हैं, उसके बाद जो है मज़ा आएगा भाई ब्रीड जब सीजन। ये देख सकते हैं कुछ ये देख सकते हैं भाई ये कुछ वाइटामिन वगैरह सिलिनियम वगैरह तमाम चीज़ें जो आ चुकी है ताकि जो है सीजन की तैयारी हो जाए। भुट्टा वगैरह भी डालना शुरू हो गए ताकि जो है ज़रा थोड़ा सा चार्ज हो जाए, काफ़ी दिन से डिप्रेस होते हैं, सीजन नहीं होता जब काफ़ी परिंदे जो है उदास उदास रहते हैं, ऐसा लगता है जैसे कोई काम ही नहीं इनके पास, तो सीज़न में ज़रा आप लोग देख रहे होंगे अभी भी कैसा शोर कर रहे हैं। जब सीज़न आ जाता है तो भाई बिजी हो जाते हैं सारे परिंदे। आप लोगों में से किस किस ने परिंदे रखे हुए हैं लाजमी कमेंट करके बताइएगा और किस किस के पास किस किस ने जो है बॉक्सेज लगा दिया। बहुत सोने थे भाई तकरीबन महीने पहले से लगा दिए जब बारिश चल रही थी, जब से बॉक्सेज लगाए हुए मैंने सोचा था ज़रा अगस्त के एंड में लगाएंगे ताकि जो है थोड़ा ठंडा और मजीद ठंडा मौसम हो जाए। तो आप लोगों में से किस किस ने बॉक्सेज लगाए कमेंट करके लाजमी बताइएगा और आप लोगों के पास कौन कौन से पेयर रखे हुए हैं, आप लोगों को ज़्यादा फायदा किस में, कौन सा ऐसा परिंदा जिसमें आपको लगता है बहुत ज़्यादा फायदा दे सकते हैं, कौन सा पेयर आपको ऐसा लगता है यार जो कि कभी भी हमारे पास जो है परफॉर्म नहीं करता, कभी भी अंडे बच्चे नहीं करता, बिल्कुल समझ लें फारिग है, तो ऐसा कौन सा पेयर है। हो सकता है कोई आपको किसी को लोटिनो ना पसंद हो सकता है किसी को अल्बाइनो ना पसंद हो यार हमारे पास ब्रीड नहीं करते, हो सकता है कोई आपके पास ऐसी ब्रीड हो यार जो आप बोलते हो यार ये जो है बेहतरीन है सदाबहार ब्रीड है, तो कमेंट करके लाजमी बताएगा। तो ठीक है भैया मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग लगी होगी, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।